EB5 વિઝા યુએસએના કાયમી વસવાટ અને ગ્રીન કાર્ડ મેળવવાનો સરળ માર્ગ છે, જેમાં અરજદારોને કાનૂની રીતે કમાયેલા નાણાં બતાવવા જરૂરી છે, જેમાં લોન અથવા મિલકતોનો સમાવેશ થઈ શકે છે. આ વિઝા માટે અરજદારની લઘુત્તમ લાયકાતની જરૂર નથી અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારની શરતોની જરૂર હોતી નથી. અહેવાલ અશ્વિન લિંબાજિયા, અમદાવાદ. उसमें ये है कि अब आप जब आप EB5 के लिए आप अप्लाई करते हैं तो ये बेसिकली EB5 क्या है. EB5 जो है वो वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि आप अगर आप अमेरिका में आना चाहते हैं तो आप अमेरिका में इन्वेस्ट करिए. आप अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे तो कैसे इन्वेस्ट करेंगे, EB5 के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे, जिसका इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने कहा है कि इट इज़ अराउंड 3.5 करोड़ के आसपास है जो इन्वेस्टमेंट होगा. और उन्होंने कहा है कि आप जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारी वहाँ पे बिल्डिंग्स बनती है, हमारा जो बनता है, आप उनमें इन्वेस्ट करिए. उसकी वजह से अमेरिकन जॉब्स क्रिएट होंगे, तो जब अमेरिकन जॉब्स क्रिएट होंगे तो अमेरिका को फायदा होगा. तो वो उस फायदे के चलते इसीलिए ये EB5 जो है ये बना है और ये EB5 जो है वो चल रहा है. और ये प्रोजेक्ट अगर आप देखें तो नॉर्मली पर EB5 जो क्लाइंट है उनको 10 अमेरिकन जॉब्स क्रिएट करने हैं. तो अगर देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट के चलते हम लोग राउंड अबाउट कुछ 800 के ऊपर अमेरिकन जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं. तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको ये श्योरिटी है कि हाँ इतने जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं. और उनका जो कंडीशनल ग्रीन कार्ड का जो है कंडीशन जो है, जो 10 अमेरिकन जॉब्स क्रिएट करने का जो कंडीशन है 2 साल में, वो मीट हो रहा है. तो जब वो मीट होगा तो उनका प्रोसेस स्मूथ होगा, क्लियर होगा और उनको आगे 2 साल के बाद जो उनका परमानेंट जो उनका ग्रीन कार्ड है वो उनको मिलेगा. उसके बाद अगर उनकी इच्छा है वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं.